हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत बैक विद न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, ये जो वीडियो होगा, इफ आप इंट्राडे में मार्जिन लेके ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत बुरी खबर आई है सेबी से। तो देखते रहिए आगे का वीडियो, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि क्या क्या रूल्स नए सेबी ने लाए हैं। आपको पता है कि इंट्राडे में मार्जिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो आपको अच्छा खासा मार्जिन देते हैं ऑप्शन सेलिंग पे, फ्यूचर पे, स्टॉक्स पे। अपने को 20x, 30x, 40x तक और कोई कोई ब्रोकर आपको 60x तक मार्जिन देता है। मेरे को पता है कि मार्जिन लेना अच्छी बात नहीं है, मार्जिन से आपका प्रॉफिटेबल ज्यादा होना होता है बट रिस्क भी ज्यादा बढ़ता है। इफ आप बिगनर हो, जो मार्जिन का इशू आता है वो मोस्टली बिगनर लोगों के साथ आता है। उन लोगों क्या होता है, वो नए नए मार्केट में आते हैं, ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम से ट्रेड लेते हैं, ज्यादा मार्जिन लेते हैं, ज्यादा लेवरेज लेते हैं और बहुत ही बड़ा लॉस लेके निकल जाते हैं। तो उनको लगता है मार्केट गैम्बलिंग है। तो यही रीजन से जो सेबी है उसने नया रूल लाया है। ये नया रूल से जो भी मार्जिन का अपन जो ट्रेड वैल्यू जो मार्जिन क्रिएट होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ये जो मार्जिन न्यू मार्जिन अपने को कट ऑफ करके मिलने वाली है वो 21 अगस्त से स्टार्ट करने वाली है। सेबी ने उनके गाइडलाइंस पे बता दिया है कि जो भी न्यू मार्जिन का सिस्टम आने वाला है वो 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो ये न्यू मार्जिन में क्या क्या है अपन डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है VAR, VAR का फुल फॉर्म है वैल्यू एट रिस्क, और सेकेंड है ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो ये बेसिस पे आपको मार्जिन दिया जाएगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। देखो कि आपने समझो कि एक SBI का स्टॉक बाय कर लिया, समझो कि आपने उसका ट्रेड वैल्यू है SBI का वो आपने समझो कि 2 लाख का कर दिया, और मतलब जितना प्राइस रहेगा, स्ट्राइक प्राइस रहेगा, वो बेसिस पे आपने 2 लाख का ट्रेड ले लिया। तो आफ्टर आपको पहले टाइम जब भी आप मार्जिन बहुत था तो आपको उसके ऊपर 20x 30x का मार्जिन मिलता था, तो वो बहुत ही कम हो जाता। मतलब आपको 2 लाख का वैल्यू आना, मतलब आप 5000 लेके आते मार्केट में तो भी आप अच्छा 2 लाख का ट्रेड वैल्यू लेके ट्रेड कर सकते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको ये जो VAR और ELM है उसी के बेसिस पे मैक्स टू मैक्स 4x और 5x का मैक्स टू मैक्स मार्जिन मिलने वाला है। मतलब आपको बेसिक चीज बताऊं कि पहले अपने को मार्जिन मिलता था 40x, 30x, 20x, ये बेसिक मार्जिन मिलता था, बट अभी वो कट डाउन करके अपने को मिलने वाला है 4.5x और 5x और 3x। जितना आपका स्टॉक रहेगा, जितना स्टॉक में ये VAR और ELM का वैरी रहेगा जो परसेंटेज, वही बेसिस पे आपको मार्जिन रहेगा, और वो मार्जिन का परसेंटेज वैरी कर सकता है अलग अलग स्टॉक से, और ये परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 2% 2x और 3x 4x यही रेंज में रहेगा। मतलब मार्जिन 20x 60x से डायरेक्टली 4x 5x तक मूव हो चुका है। मतलब अभी जो भी वॉल्यूम रहने वाला है मार्केट में, जो भी वॉल्यूम ट्रेड होता है मार्केट में, ट्रेड वॉल्यूम रहता है वो पूरा निकल जाने वाला है, और जो भी ज्यादा ब्रोकरेज लेके जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर करते थे, पैसा कमाते थे, अभी उनको ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा मार्केट में और ट्रेड करना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब अच्छी खबर नहीं है। जो भी ट्रेडर्स मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, बिगनर ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत ही बुरी बात है। मैंने भी जब ये सर्कुलर पढ़ा तभी मेरे को भी बुरा फील हुआ, क्योंकि कैसे ये अभी जो भी मार्जिन आपको ज्यादा मनी लाना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सेबी ने एक अच्छा दूसरा रूल क्रिएट करना चाहिए था, जिसमें जो बिगनर्स है उन लोग के लिए अलग सेक्शन लाना चाहिए था, जिसमें वो मतलब 4x 2x 3x का ये मार्जिन लेके ट्रेड कर सकते थे। बट अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, सबके लिए एक ही सिनेरियो ला दिया है। तो यही एक बुरी बात है मेरे हिसाब से। अभी देखते हैं, अभी ओवरऑल अपन बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। सेबी ने 21 अगस्त से न्यू मार्जिन सब लोग ब्रोकर अपने अप्लाई कर देंगे, उसमें आपको मैक्स टू मैक्स 4x और 2x 3x यही वैरी करेगा स्टॉक टू स्टॉक, इतना ही मार्जिन आपको मिलेगा। पहले अपने को 50x 30x तक मार्जिन मिलता था, अभी वो सब ब्रोकर मैक्स टू मैक्स आपको 5x और 2x 3x यही रेंज में मार्जिन दे सकते हैं। मतलब आपको 1 लाख का ट्रेड लेना होगा तो आपको उसके लिए मिनिमम 50,000 30,000 तो वैल्यू लगेगा, और 1 लाख के ट्रेड वैल्यू है उसमें आपके कुछ ज्यादा शेयर नहीं आने वाले, मैक्स टू मैक्स 100, मतलब आपको
एसबीआई के 3 लाख में 100 शेयर आएंगे, मतलब कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं बचेगा मार्केट में। अभी देखते हैं इस पे ऊपर मे भी कोई ब्रोकर इस पे ऊपर कोई अलायंस ला सकता है, कोर्ट में जा सकता है ये कि इसकी ब्रोकरेज मत हटाओ, मार्जिन लाओ, कोई दूसरा स्कीम लाएंगे, जो न्यू बिगिनर्स है उन लोग के लिए कुछ नया सिस्टम भी ला सकते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपका मार्जिन के ऊपर क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको इफ ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करना भूलिए मत, लाइक कीजिए, और आपके जो भी ट्रेडर दोस्त है उनको ये मार्जिन का न्यू स्कीम आया है वो बताइए और उनको भी पहले से अलर्ट कर दीजिए। तो और मैं नीचे जो सेबी का जो भी मैसेज है, जो भी पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, वो नीचे लिंक पे दे दूंगा, आप जाके खुद जाके पढ़िए। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने थोड़ा आपको बेसिक समझ लिया कि 60x जो मार्जिन मिलता था, 50x मार्जिन मिलता था, वो कम डाउन हो चुका है और वो 5x 2x 3x वेरी करेगा स्टॉक टू स्टॉक, स्टॉक के जो VR है ELM है वही बेसिस पे। तो गाइस दैट्स इट, ये वीडियो इधर ही एंड अप करते, टेक केयर, बाय बाय। दिस कुड बी अस, सो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, दिस कुड बी अस, सो टू व्हाट आई वाज सेइंग।